हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी यूट्यूब क्लासेज में। आज मैं क्लास टेंथ के मैथ से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्त, ये क्वेश्चन आर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 से लिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 113 पर है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 and 350। तो ये जो 17 है ये हमारा A है और ये जो 350 है ये हमारा L है। हम इसे लास्ट टर्म L बोले या AN बोले एक ही बात है। रिस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये जो 9 दिया गया हमारा D की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 9 दिया गया है ये D की वैल्यू है। हाउ मेनी टर्म्स, तो जहां पर भी बोले कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब हमसे यहाँ पर N पूछा गया है। क्या पूछा गया है? N। एंड वॉट इज देयर सम, सम मतलब हमसे SN पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि A दिया गया है 17, L या AN की बात करें तो वो दिया गया है 350 और N की वैल्यू हमसे पूछा गया है, D दिया गया है 9, SN हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हमसे N पूछा जाता है, AN और A और D दिया गया है, तो यहाँ पर हमें AN का फार्मूला इस्तेमाल करना है, AP का फार्मूला इस्तेमाल करना है। सो यूजिंग AP का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू आपको दिया गया है 350, A की वैल्यू आपको दिया गया है 17, N की वैल्यू आपको फाइंड करना है, D की वैल्यू आपको दिया गया है 9। इस 17 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। 17 को माइनस कर लेते हैं तो 10 माइनस 7 होगा 3, 4 माइनस 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू, देखिए एन माइनस 1, ये जो 9 है इधर इंटू में है, इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन कर देते हैं। सो डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा, देखिए अगर हम बगल से डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे साइड में तो 9 3 से 27 होगा हमारे पास, यहाँ पर रिमेनिंग होगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। 9 से 7 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 7 63 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन के बाद कितना आएगा स्टूडेंट, 37 आएगा यहाँ पर एन माइनस 1 और 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 37, ये माइनस है इधर आएगी क्या हो जाएगा प्लस, एन की वैल्यू कितनी आएगी 38 आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी में, 38 होंगे, ठीक है। तो अगर हमें एन पता चल गया यहाँ पर तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एस एन फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर एस एन का फार्मूला इस्तेमाल करना है। सो फॉर सम ऑफ 38 टर्म्स, सो एस 38 इज इक्वल टू 38 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9। यहाँ पर स्टूडेंट एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू अंडर ब्रेकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 19 2 38 होता है, 17 2 हो जाएगा 34, 1 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 37 इंटू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 7 63 6 कैरी, 9 3 27 प्लस 6 33 प्लस 34 इंटू 19, इनको ऐड कर लेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 हमारे पास, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा एंड 3 इंटू 19। अब आपको 19 का टेबल आता है तो पढ़ लीजिए, 19 7 133 133, तो 3 यहां पर ऐड कर लेंगे 13 कैरी हो जाएगा, 9 6 114 और उसमें यहाँ पर 13 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 127, तो यहाँ पे 7 ऐड करेंगे 12 हमारे पास कैरी हो जाएगा, 9 3 57 में 12 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 96, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 9 73। तो एस 38 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी स्टूडेंट, एस 38 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6973 और इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा देयरफोर नंबर ऑफ टर्म इज 38 एंड देयर सम
इज 6973। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के मजेदार वीडियोज लेकर के मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।